और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। मैंने देखा था पर टीम को नहीं बताया। कैसे बताता? मैंने सबकी मौत देखी थी निक, महसूस किया था पूरी दुनिया का खात्मा, सब मेरी वजह से। मैं तैयार नहीं था, जो कर सकता था मैंने नहीं किया। तुम्हारे डर की वजह से उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है, वो तुम्हें बहका रही है। मुझे बहकाया नहीं, आईना दिखाया गया है, और वो बुरा सपना नहीं मेरी बिरा सकती। उसी राह का अंत इस पर मैं सब ले गया। तुमने काफी खूबसूरत चीजों का इजाद किया है टोनी, जंग उनमें से एक नहीं है। अपने दोस्तों को मरते हुए देखना कोई सोचेगा इससे बुरा है। बताया नहीं ये और बात, बताया था तुम्हें, रिसर्च कर रहे जिसका टीम पर असर खत्म हो जाती है। टीम यही तो मकसद है ना, हम इसीलिए लड़ते आ रहे हैं ना, ताकि एक दिन लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने घर जा सकें। हर बार जब कोई जंग शुरू होने से पहले उसे जीतना चाहता है मासूम लोग मारे जाते हैं, हर बार। हम एवेंजर्स हैं, हम चाहे किसी भी चोर चक्के को पकड़ते रहे लेकिन वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा, हम उससे कैसे जीतेंगे? मुझे डर था कि कुछ बुरा होने वाला है, अंदेशा हुआ था लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था। सोचा बस एक सपना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टोनी। मदद मुझे भी चाहिए थी, मतलब तब चाहिए थी, लेकिन तब तुमने की नहीं। अब बहुत देर हो चुकी मेरे दोस्त। हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हें कहा था। हाँ याद आया टोनी, टोनी मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए थे ना? अब जो हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा था कि हम हारेंगे और तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। हार जाएंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन, और तुम उस वक्त नहीं थे। जब मेरा काम हो जाएगा तब आधे इंसानी बचेंगे। यही हमारा काम है ना, हारने के बाद हाथ मिलाना, क्योंकि हम तो अवेंजर्स हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन पहले बार नहीं कर सकते हैं ना। और तुम मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना कोई पता ठिकाना, ना कोई प्लान, और रही बात भरोसे की, तुम वो क्या, जीरो शून्य अड्डा, मिल पटे सन्नाटा, समझे? तो ये रख लो, वो मिल जाए तो ये लगा लेना और निकल लेना।